का मुख्य तौर पर किसान है और किसान के मिट्टी से लगाव है, वो मिट्टी हमसे छीन लिया जा रहा है और उसके जगह पर कोयला पत्थर डस्ट डाल के छोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, आने वाला भविष्य क्या करेगा, बेतहाशा हो जाएगा और अंत में मरने की स्थिति आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। पदाधिकारियों से आग्रह है वो हम लोग को जमीन को बचाने में हमारी मदद करें, हाँ वो हम लोगों को जो है गोली से भूनने का काम नहीं करें। उतने से जमीने हम लोग जीते खाते आ रहे हैं, घर द्वार उसी में बनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ, है ना। ऐसी स्थिति में हम लोग प्राण देंगे, जान दे सकते हैं लेकिन जमीन किसी हालत में नहीं दे सकते। कोयला का डस्ट है वो निकाल के छोड़ दी, क्या लगता है आपको वहाँ खेती हो पाएगा, हम लोग जीविकोपार्जन कर पाएंगे या अन्य लोगों को जो वहाँ से सब्जी खिलाते हैं वो खिला पाएंगे, ये नहीं हो सकता है। हम लोग बेतहाशा हो जाएंगे, दर दर भटकने की स्थिति आ जाएगी और यहाँ तक मरने की ना बता सकते। अडानी हमें नौकरी का भी ऑफर देगा तो क्या वेतन देगा, वो क्या उस वेतन से हम अपने पूरे परिवार को खिला पिला पाएंगे, अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। अडानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उसने अभी तक ना तो स्कूल खोला ना कॉलेज खोला। कुछ दिन पहले द फॉलोअप न्यूज़ ने गोविंदलपुरा का खबर दिखाया था जिसमें अडानी के द्वारा कई ज़मीनों को वहाँ पे अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके विरोध में लोग वहाँ बैठे भी थे। अभी हमारे साथ जो हैं हरली पंचायत के लोग हैं, यहाँ देख लीजिए सारे लोग जो हैं हरली पंचायत के हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके ज़मीन को भी अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन 10 अगस्त को वहाँ पे जो बैठक हुई थी, जो आम सभा जो हुई थी, उस बैठक में इनका साफ तौर पे आरोप है कि उस बैठक में जो रैयतदार जो होते हैं वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। सीधे इनसे जुड़ते हैं कि क्या आरोप लगा रहे हैं अडानी, आखिरकार अडानी तो वहाँ विकास करने आ रही है। विकास नहीं, हम लोग का ज़मीन पर वो 162 एकड़ का प्लॉट जो है सब उसमें अंकित कर दिया है भाई, और ज़मीन हम लोग का बहुत कम है, उतने से ज़मीने हम लोग जीते खाते आ रहे हैं, घर द्वार उसी में बनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। उस ज़मीन में आप लोग करते क्या हैं, खेती करते हैं, धान गेहूं का खेती करते हैं। मेरा कुआं भी वहाँ है सामने सर, और मैंने ज़बरदस्ती करके हो सकता है ले ले। तो 10 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था ये बताइए। 10 अगस्त के बैठक में जो ग्रामीण को बुलाना था उन ग्रामीणों को ना बुला करके वह ग्राम सभा आयोजित की गई और उसे पारित कर दिया गया बिना सूचित किया गया। अगर किसी तरह का ग्राम सभा किया जाता है तो सूचना पहले दिया जाना चाहिए रैयतों के बीच में, तो किसी भी रैयत को सूचित नहीं किया गया और सीधे तौर पर मीटिंग का आह्वान हुआ और मीटिंग में क्या पारित हुआ ये हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। इस बात को लेके आप लोग क्या किसी अधिकारी से या किसी से मुलाकात कर पाए हैं? कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी तक हम लोग अभी तक सफलता नहीं मिली है किसी भी अधिकारी से मिलने में, और हम लोगों ने आवेदन जो लिखा है वो सक्षम अधिकारियों के पास हम लोगों ने अपना आवेदन लिख करके वहाँ दिया है। उपायुक्त से मुलाकात हुई थी? नहीं हो पाई अभी तक। क्यों ऐसा क्यों, आखिरकार उपायुक्त से आप लोग मिलने गए थे, मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? वहाँ पर तो हम लोग के मुलाकात 10 बजे से हम लोग तो हैं लेकिन वहाँ हम लोग के यहाँ शाम हो गया, अभी तक ले उनका इंतज़ार में कि कब आवें, अभी तक ले आई नहीं, तो हम लोग जा रहे हैं मतलब। और ये जो हम लोग ज़मीन को जो खेती बाड़ी करते हैं और जीविका पालन करते हैं, हम लोग किसान हैं और वही हम लोग का बाल बच्चा पोसते खिलाते पिलाते हैं। चलिए, ये वही किसान हैं जो अन्नदाता हैं जिनको कहा जाता है। आज सुबह से आप लोग बैठे हुए थे तो क्या मुलाकात हो पाई, किस तरह से आप लोग थे, कितने बजे से थे? हम लोग 11 बजे यहाँ पहुँचे, उस टाइम से आइए नहीं, उपायुक्त साहब महोदय नहीं आए अभी तक, शाम तक रहे आवेंगे, इतना देर वेट किए। हम लोग किसान हैं, गरीब किसान, खेती बाड़ी से ही जीवित रहते हैं। तो इस बार आप लोगों ने खेती में क्या लगाया वहाँ? अभी धान लगाएं, धान कटने के बाद कोई गेहूं लगाता है, कोई मक्के लगाता है, कोई सरसों लगाता है, कोई मसूर लगाता है, कोई मटर लगाता है, ये सब का खेती होता है उसमें। बारह माह वहाँ पे जो है खेती बाड़ी होते रहता है सर। तो हमारे साथ और कुछ लोग हैं, क्या आप कहिएगा, क्या मांग रखिएगा? हम लोग का कहना है चाहे जो भी हो हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, हम लोग पूरे बड़का गाँव क्षेत्र को जो है ये अधिग्रहण किया जा रहा है, हम लोग जाएंगे कहाँ, है ना। ऐसी स्थिति में हम लोग प्राण देंगे, जान दे सकते हैं लेकिन ज़मीन किसी हालत में नहीं दे सकते हैं, इसलिए पदाधिकारियों से आग्रह है वो हम लोग को ज़मीन को बचाने में हमारी मदद करें, हाँ वो हम लोगों को जो है गोली से भूनने का काम नहीं करें।
चलिए, लगातार जो है ये लोग सुबह से उपायुक्त से मिलने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल इनका मामला जो है रैयतदार सब हैं और ये चाह रहे हैं कि जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है वो अडानी के द्वारा ना किया जाए। सर ये एक चीज़, हाँ क्या बता रहे, 162 एकड़ जो है उस प्लॉट में हम लोग भी हैं और मैंने जमीन चल जाने के बाद हम लोग को कोई राहत नहीं जीने खाने का, भटकते जाएंगे। जब जमीन हम लोग के चल जाएगा तो हम लोग दर दर भटकते जाएंगे, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे को कहाँ रहेंगे को पता नहीं है, इसलिए कि हम लोग अभी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, पूर्वज लोग करते आ रहे हैं तो उस तरह हम लोग करते रहे, जीविका पालन करते आ रहे हैं, जो पूरा मतलब किसान के ही जो कमैनी से सर जितना भी अफसर सब दुनियादारी जितना है सब खाता पीता है किसान के ही पैदावार। चलिए आप अन्नदाता हैं तो आपके खेती बाड़ी से ही लोग खाते हैं और लोग अपना जीवन ये करते हैं चलाते हैं, और आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अडानी अगर आपके गांव में आएगी तो कहीं ना कहीं विकास की बात, अडानी कहती है कि विकास होगा, तो क्या लगता है कि अगर आपका ज़मीन चल जाएगा तो वहां विकास हो पाएगा? विकास तो असंभव दिख रहा है क्योंकि इतने सालों में अडानी ने एक हॉस्पिटल तक खोल के नहीं दिया, एक अस्पताल नहीं दिया, एक स्कूल नहीं दिया, एक कॉलेज नहीं दिया, ये बेसिक चीज़ें हैं ये सर, तो ये कैसे माना जाए कि वहाँ पर विकास कार्य होगा? एक और मेरे जहन में सवाल है कि हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे जिसमें डीसी के द्वारा दिया गया था कि वहाँ बंजर जमीन है, बंजर खेती है, खेती वहाँ नहीं होता है, वहाँ पानी का स्रोत नहीं है, नदी नहीं है, तो क्या ये सच्चाई है? क्योंकि हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, आपके द्वारा जानना चाह रहे हैं कि वहाँ क्या स्थिति है? मैं आपको आमंत्रित करूँगा हमारे गाँव में, आइए एक बार, और आपने कहाँ सर्वेक्षण किया था वो हमें दिखाइए, क्योंकि जहाँ तक हमारी भूमि है, नहीं हम जो देखने गए थे वहाँ पे हरी भरी एकदम जंगल था, झरना था, वहाँ पे नदियाँ बह रही थी, वो मैंने देखा, हमारे चैनल ने दिखाया भी, लेकिन डीसी के द्वारा ये वहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है उसमें ये लिखा गया था। उस रिपोर्ट से हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, हम तो साफ तौर पर यही कहना चाहेंगे कि ऐसा अगर कोई रिपोर्ट है तो वो बिल्कुल गलत है। एक ज़मीनी तौर पर आप वो आकर के वहाँ पर चेक कीजिए, अभी पूरा एरिया हरा भरा मिलेगा आपको, और वहाँ सिर्फ एक फसल नहीं होता है, बहुफसलीय ज़मीन है, वो सिर्फ धान ही नहीं है, वहाँ गेहूँ भी है, मक्का भी है, और जैसा कि अभी मोदी जी ने आह्वान किया है मोटे फसल की तरफ, तो मोटे फसल भी वहाँ पे उगाए जाते हैं, ज्वार बाजरा सब होता है वहाँ पे। अगर ये ज़मीन हमसे छीन ली जाएगी तो हम वहाँ पे जिएंगे खाएंगे से? अभी तक तो हमारे पूर्वजों ने उसी ज़मीन के भरोसे हमें पाला पोसा, अब जब हमारी बारी आई है, हम अगर उस ज़मीन को दे देंगे हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, उनको क्या, उनकी जीविका के लिए क्या करेंगे हम? सरकारी नौकरी कितनी मिलती है? अगर अडानी हमें नौकरी का भी ऑफर देगा तो क्या वेतन देगा वो? क्या उस वेतन से हम अपने पूरे परिवार को खिला पिला पाएंगे, अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे? अडानी बहुत बड़ी बड़ी बात ही करता है, लेकिन उसने अभी तक ना तो स्कूल खोला ना कॉलेज खोला, जो बेसिक चीज़ है उसका भी अभाव है अभी हमारे गाँव में। पढ़ने के लिए लोग वहाँ से हजारीबाग आते हैं, यहाँ स्कूल बढ़िया है, हॉस्पिटल बढ़िया है, तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी ज़मीन हमें छोड़ दी जाए, हम जैसे हज़ारों सालों से जी रहे थे वैसे भी हम आगे भी जिएंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। ये बताइए कि आपके पूर्वज जो हैं वहाँ पर खेती बाड़ी किया करते थे और अब की स्थिति क्या है? क्या लगता है कि अगर अभी जिस तरह से आपका गाँव है, ठीक है, अगर अडानी वहाँ आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? पूरा खेत खलिहान वो ले जाएगी, अपने अंडर कवर कर लेगी, जो कोयला का डस्ट है वो निकाल के छोड़ देगी। क्या लगता है आपको कि वहाँ खेती हो पाएगा, हम लोग जीविकोपार्जन कर पाएंगे, या अन्य लोगों को जो वहाँ से सब्जी खिलाते हैं वो खिला पाएंगे? ये नहीं हो सकता है, हम लोग बेतहाशा हो जाएंगे, दर दर भटकने की स्थिति आ जाएगी और यहाँ तक मरने की नौबत आ सकती है, क्योंकि हम लोग का मुख्य तौर पर किसान है और किसान के मिट्टी से लगाव है, वो मिट्टी हमसे छीन लिया जा रहा है और उसके जगह पर कोयला पत्थर डस्ट डाल के छोड़ दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, आने वाला भविष्य क्या करेगा, बेतहाशा हो जाएगा और अंत में मरने की स्थिति आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास दूसरा रास्ता। चलिए, ये तो भविष्य की बात कर रहे हैं और सही बात है, भविष्य की बात करनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार जो आप देख रहे हैं उनसे हम लोगों ने बात किया और सही में इनका आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं कि आखिरकार अडानी अगर इनके गांव में आ जाती है तो जो खेती रूपेण जो ज़मीन है वो बंजर स्थिति में बन जाएगी। बहरहाल इन लोगों के द्वारा आज डीसी उपायुक्त महोदय से
मिलने का समय तय था लेकिन लोगों की मुलाकात हो नहीं पाई। सुबह 10 बजे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं और आज अभी शाम हो चुका है और उपायुक्त इनसे अब तक नहीं मिल पाई है। अब देखने की बात यह है कि आगे आने वाले समय में अगर ये फिर दोबारा उपायुक्त से मिलना या कोई वरीय अधिकारी से मिलना चाहें तो क्या उनके द्वारा इनको समय दिया जाएगा। मैं पीयूष मिश्रा द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.